वर्ष 1469 कार्तिक पूर्णिमा का शुभ मुहूर्त कलिकाल के इस खंड में धरती पर प्रकट हुए बाबा नानक, जिन्हें समूचा समाज श्री गुरु नानक देव जी महाराज के रूप में जानता है। सर्वज्ञानी गुरु नानक देव जी ने दुनिया के समक्ष स्वयं अपना परिचय क्या रखा, आइए इसे जानें। गुरु नानक देव जी खुद को भगवान श्री राम का वंशज मानते थे। उन्होंने अपना यह परिचय कहीं और नहीं बल्कि इस्लाम का केंद्र माने जाने वाले मदीना में दिया था। एक बार गुरु नानक देशाटन करते करते मक्का के बाद मदीना पहुंचे तो वहां पीर बहाउद्दीन को गुरु नानक ने अपना यही परिचय दिया। उन्होंने पीर बहाउद्दीन को बताया, सूरज कुलते रघु भया, रघुवंश हुआ राम, राम चंद को दोई सुत, लवि कुसुति नाम। ए हमाते बड़े हैं जुगह जुगह अवतार, इन्हीं के घर उपजू नानक कल अवतार। यानी सूर्य कुल में रघु नाम के राजा हुए, रघु के वंश में हुए राम, रामचंद्र जी के दो पुत्र थे कुश और लव। वे राम हमारे ऐसे पूर्वज हैं जो युग युग में अवतार धारण करते रहे हैं। इन्हीं के वंश में मैं नानक कलिकाल में अवतरित हुआ हूँ। ये बात पटियाला की पंजाबी यूनिवर्सिटी के डॉक्टर कुलवंत सिंह की संपादित मक्के मदीने की गोष्ठ में पृष्ठ संख्या 253 में भी लिखी है। पवित्र दशम ग्रंथ के एक दोहे में भी ये बात आई है। विश्व हिंदू परिषद के कार्याध्यक्ष एडवोकेट अलोक कुमार भी कहते हैं, श्री राम हमारे जीवन के फोकल पॉइंट हैं। गुरु ग्रंथ साहिब में भी बार बार राम शब्द आता है। गुरु परंपरा के कुछ विद्वान मानते हैं कि गुरुओं की वाणी का प्रथम संकलन पांचवे गुरु श्री अर्जुन देव जी ने वर्ष 1604 में जारी किया, जिसमें कुल शब्दों की संख्या 3,98,000 से अधिक है। इसमें सर्वाधिक 9,288 बार दोहराया गया शब्द है हरि। श्री राम का नाम इसमें 2,533 बार आया। ऐसे ही प्रभु, गोपाल, मुरारी, गोविंद, नारायण, परमात्मा, ठाकुर, परमेश्वर, जगदीश जैसे अन्य शब्द कई बार आए। श्री गुरु नानक देव जी अयोध्या भी गए। गुरु नानक देव जी के अयोध्या प्रवास का कालखंड वर्ष 1510-1511 के बीच का है। उनके इस प्रवास का जिक्र करते हुए गुरु नानक देव जी के छोटे बेटे श्री लक्ष्मी चंद जी के आठवें वंशधर बाबा सुखवासी राम बेदी जी ने अपनी रचना गुरु नानक वंश प्रकाश 1001 में इसका उल्लेख किया है। वे लिखते हैं, चले तहां ते सदगुरु मर्दाना ले संगी, आए औधपुरी बिखे सरजू नदी जी सुंगी, सरजू जल मंजन किया दर्शन राम निहार, आत्मरूप अनंत प्रभु चली मगन हितुधार। मतलब ये कि श्री गुरु नानक देव जी मर्दाना के साथ चलकर अयोध्यापुरी आए, जहां सरयू नदी बहती है। सरयू नदी के जल से गुरु नानक देव जी ने स्नान किया और भगवान श्री राम के दर्शन किए। मनोहर दास मेहरबान की रचना सचखंड पोथी में इसका बहुत ही सुंदर तरीके से वर्णन करते हुए लिखा गया है, एक बार एक भक्त ने बाबा नानक से पूछा कि बाबा मुक्ति का मार्ग कैसे मिले। इस पर बाबा नानक ने बड़े ही प्यार से समझाया कि भगवान राम के नाम जप से ही मुक्ति मिलेगी। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर रामलला विराजमान के अधिकार को लेकर सर्वोच्च न्यायालय ने जो निर्णय दिया, उसके पेज नंबर 991 से 995 में गुरु नानक देव की अयोध्या यात्रा की चर्चा है। इसी यात्रा के आधार पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि बाबर के आक्रमण से वर्षों पहले भी अयोध्या एक तीर्थ स्थल था और वहां पूजा पाठ होते थे। सिख इतिहासकार और सिख साहित्य के बड़े विद्वान राजेंद्र सिंह ने जन्म साखियों के आधार पर यह सिद्ध किया कि गुरु नानक देव 1510 में प्रभु श्री राम का दर्शन करने अयोध्या आए थे।